हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम 11 डॉक्टर में। एक बार फिर से जो मैं इस बात को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो होने वाला ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का। जो अगली वीडियो आएगी न्यूजीलैंड वुमेन अफ्रीका वुमेन की आएगी, और हमने अफ्रीका और इंग्लैंड के जो थर्ड ओडीआई होने वाली है मैच की वीडियो अपलोड कर दी। फटाफट जाके देखो और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। वीडियो पूरा देखो, बाकी की मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, पर आपको टेलीग्राम पर इनकी मेरी टीम मिल जाएगी स्मॉल लीग के। जाके फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नया आता हो पता होना चाहिए किसे फॉलो करोगे। आजकल बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, तो आप किसको फॉलो करना है पता होना चाहिए। तो हमने पिछले दो महीने में दो जीएल विन करी हुई है, दो ग्रैंड लीग आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी डीएम प्रोफाइल का प्रोफाइल है, इस पर जाके पोस्ट है, 52 पोस्ट पर जाओगे देख सकते। दो तारीख, एक तारीख को जो मैच था, एक फरवरी को, अभी एक हफ्ते पहले, उसमें हमने ग्रैंड लीग भी विन करी है। और यहाँ देख लेना, ये हमने वही मैंने पोस्ट डाले 52, जिसमें हमारी रैंक का बिलो 100 रही है। तो ये देख सकते हो, एक महीने पहले जो मैंने ग्रैंड लीग विन की थी वो अंडर 19 के मैच में की थी। तो ये देख सकते हो आप, ये फटाफट देख लो। बाकी उनके लिए होता है जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं। बाकी अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, और आपको हमारे इस चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। आपको स्मॉल लीग की बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली है आफ्टर टॉस, और आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन से मैच कवर करने, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करने, आपको वीडियो में बता दूंगा प्लस यहाँ पर बता दूंगा। और दूसरी बात ये है कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम 11 डॉक्टर जो नाम है, 58.8K मतलब 5800 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उसी चैनल को ज्वाइन करना। बाकी कोई फेक चैनल हो 5800 से नीचे वगैरह कोई, तो उसे फॉलो नहीं करना, हमारा चैनल नहीं है, उसे फॉलो करना। और ये हमारे रिजल्ट इसमें अच्छा रहा है, ओवरऑल थोड़ा एवरेज दे गया, बट एक हमने इसमें क्लीन स्वीप मारा है, तो काफ़ी अच्छी इसमें हमने रिकवरी कर ली, और बाकी मैच इसमें एवरेज रिजल्ट रहा। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ड्रीम 11 डॉक्टर, बीच में गैप नहीं देना, ड्रीम भी साथ में लिखना है, ड्रीम के साथ 11 लिखना बिना गैप दिए, और डॉक्टर भी साथ में ही लिखना है, तब जाके सर्च में आएगा। तब जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको स्मॉल लीग की बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली है। तो यहाँ बात करते हैं हम इसकी ऑस्ट्रेलिया की। तो मैच आज इंडिया का थोड़ा हाई स्कोर देखने को मिला 70 के आसपास, जो वुमेन के मैच इसमें काफ़ी होता है। तो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है इनकी, तो यहाँ पे थोड़ा आज थोड़ा स्कोर ज़्यादा देखने को मिला, वो भी सिर्फ एशलिया गार्डनर की वजह से, जो एक थोड़ी एग्रेसिव प्लेयर है, उसने 93 रन मारे हैं। तो यहाँ बात करें, एलिसा हिली ने बिल्कुल ही निराश करा हुआ है पूरे टूर्नामेंट, तीनों मैच तीनों में फ्लॉप रही है। जैसे जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इस सीरीज से पहले, टूर्नामेंट सीरीज से पहले जो जितने मैच खेले उसमें इतने क्लासिक फॉर्म हुई, जिससे पहले जब श्रीलंका आई जिसमें इसने सेंचुरी भी मारी हुई T20 में, तो एक इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्लॉप हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए ग्रैंड लीग की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है कि विकेट कीपर है, ओपन कर रही है, दोनों ही बहुत विकेट कीपर और प्लस ओपन कर रही है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। यहाँ पे लोगों ने उसको लेना भी बंद कर दिया, बट अब स्मॉल लीग में उसको ले या ना ले बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ओपन जैसी प्लेयर है और इस टीम में उसको छोड़ के उससे पहले में फॉर्म में रही है फुल ईयर, तो स्मॉल लीग में उसको छोड़ना भी बहुत रिस्की है। अगर लो तो अगर फ्लॉप होगी तो 37% सिलेक्शन है, अपोनेंट ने नहीं लिया, फ्लॉप होगी तो फिर आप हार भी सकते हो, तो ये थोड़ी अब दिक्कत देने वाली बात हो सकती है। तो देखते हैं, मैं तो जरूर लेकर जाऊँगा, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर है जो कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकती है। प्लस विकेट कीपर है तो कैचिंग और स्टंपिंग का पॉइंट जरूर देखी जाएगी। यहाँ बात करें हैदर नाइट की, सीरीज कदर की फॉर्म में चल रही है, हर मैच परफॉर्मेंस करके जा रही है, तीन मैच खेले तीनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस करके गए, तो स्मॉल लीग में छोड़ना नहीं है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की काफ़ी चॉइस बन जाती है आपके लिए। यहाँ बात करें डैनी वाइट की, ये भी थोड़ी फ्लॉप रही, दोनों ही ओपनर इनके थोड़े फ्लॉप ही रह गए हैं। यहाँ बात करें इसकी करें बट दोनों ही ओपनर है, दोनों ही T20 बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है। तो इस सीरीज से पहले ये भी थोड़ी फ्लॉप थी, नहीं सीरीज से पहले अगर बिग बैश फॉलो करोगे तो और कोई सीरीज फॉलो करेगी तो बहुत अच्छी फॉर्म में थी, बट ये टीम है तो ये भी थोड़ी फ्लॉप रही है, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती है। तो ये ऐसे प्लेयर है जो ओपन में आ रहे हैं और चल गए तो फिर आपको वन साइडेड विन भी करवा देंगे, तो इनमें थोड़ा सोचने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अपनी टीम में आपको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अब सिलेक्शन देख सकते हो 27% हो चुका है, दो मैच में नहीं चले। तो ये यहाँ बात करें बैथ मुनी की, तो सबसे अच्छी फॉर्म में बैथ मुनी ही चल रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग में। आज ही थोड़ा जल्दी आउट होगी, बट एक अच्छी क्लासिक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगर इसकी क्लास शॉट वगैरह देखोगे, इसकी ड्राइव परफेक्ट होती है, कट परफेक्ट होते हैं, इसकी स्ट्रेट ड्राइव अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी क्लास प्लेयर है, और एक रुक के खेलने वाली प्लेयर, जल्दी विकेट नहीं देती अपनी है, और ओपन करने आती है 50 रन भी मार सकती है अगर इसका दिन हुआ तो। यहाँ बात करें टैमी बेमेंट का, तो बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, इसको स्मॉल लीग में लेना वेस्ट ही है, अगर ग्रैंड लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर एमी जोन्स को ओपन करवा रहे हैं ये, अगर एमी जोन से डैनी वाइट ओपन ना करती तो ये ओपन करती, बट अब इससे ऐसा करा रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर नीचे काफ़ी नीचे भेज रहे हैं इसको, इससे ऊपर फरहान विल्सन को भी भेज रहे हैं और बहुत वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लॉरेन विल्फ्रेड का और फरहान विल्सन और टैमी बेमेंट का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे शफल हो रहा है आपस में, तो इन तीनों को लेने में भी दिक्कत है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, पर इनमें सबसे ऊपर आ रही है फरहान विल्सन। यहाँ बात करें हम, तो मैगलेनिंग ने आज बैटिंग करके दिखाई है, वुमेन की सबसे बेस्ट बैट्समैन, जो क्लास बैट्समैन है, मुझे मैगलेनिंग ही लगती है, तो मैगलेनिंग को अपनी टीम में ले सकते हो। ये सेकंड राउंड बैटिंग करने आएगी, और
अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करती है तो क्या पता है पैरी की बैटिंग आए भी ना अगर टॉप ऑर्डर चली गया तो इनके पास टॉप ऑर्डर में क्या एली एलिसा पैरी है, बैथ मुनी है, फिफा जो आएगी एशले गार्डन, फिर आएगी मैथ लैनिंग मैग लैनिंग, और फिर आएगी एलिसा पेरी। बट आज एलिसा पेरी से ऊपर रैचल हेंस को भेजा गया था, तो मेरे को लगता नहीं है कि एलिसा पेरी थर्ड डाउन आएगी अगली बार। और एलिसा पेरी 4 ओवर पूरे कर रही है, एक आधा विकेट लेके जा रही है, तो अगर इसको मिस करके जाए तो आप अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हो। बट इसको मिस करना ये बहुत बड़ी दिक्कत है, एक परफेक्ट बहुत बेस्ट ऑलराउंडर अभी तक की वुमेन की, और हर मैच परफॉर्मेंस करके जा ही रही है, तो इसको छोड़ने में बहुत दिक्कत है स्मॉल लीग में। तो यहाँ बात करें आप मैगलानिन को यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी थोड़ा, तो मैं जा रहा हूँ पैरी के साथ, यहाँ जाऊँगा नेथली शाइवर के साथ। यहाँ बात करें हम तो यहाँ पे मैंने आपको बताया गार्डनर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, आज इन्हें 93 मारे भी हैं, तो एक अच्छी पिक हो जाती है आपके लिए। यहाँ पे बात करते हैं हम किसको छोड़ के जाएँ, तो हम डैनी वाइट को छोड़ सकते हैं, या फिर हम आपको हमें एक प्लेयर छोड़ना ही पड़ेगा कोई अच्छा सा, तो आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। पर यहाँ पे पैरी को छोड़ना बड़ा दिक्कत है यार, फिर वही है ना कि मैंने छोड़ दिया चल गई तो फिर वही है भाई आपने हरा दिया। तो यहाँ पे ब्रंट ब्रंट को ले सकते हो, ब्रंट अपने ओवर करेगी 4 ओवर प्लस बैटिंग करेगी, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे अगर आज जय जोनाथन की बेस्ट स्पिनर है तो बस इससे बॉलिंग ही नहीं करवाई, एक ओवर करवाया इससे, तो कुछ फिक्स नहीं हो रहा सीरीज़ में, किसी को भी रोक के किसी से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बॉलर से ओवर ही कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं। यहाँ बात करें अन्य स्वरूप चल की, तो अन्य स्वरूप चल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में से 3 विकेट लेके गई है। और यहाँ बात करें अखिलेश स्टोन की, तो अखिलेश स्टोन को अपनी टीम में ले सकते हो आप, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ बात करें तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आज निकोला कैरी ने 1 विकेट लिया था, और तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है इस मैच में। आज टायरा टायला विलेमिंग खेली ही नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेगन शूट के जाता हूँ, क्योंकि एक वुमेन की सबसे बेस्ट बॉलर जो है वो है मेगन शूट। यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ ऐसा कर सकते हो आप 8 क्रेडिट में, तो आप ऐसा करना पड़ सकता है आपको, यहाँ पे पहली को छोड़ के जाओ, यहाँ पे आप इसको लो पैरी को, या तो आप ऐसा करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे निकोला कैरी को ले लो। सोफी मॉलिनिक्स को आज मौका मिला, खेली थी पर विकेट नहीं मिला, बट बहुत अच्छी ऑलराउंड ऑलराउंडर है। अगर देखोगे अपने ओडीडी और ऑस्ट्रेलिया को उसमें ओपनिंग करती थी, प्लस हमारी कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस होती थी ये, उसको ओपन कैप्टन करते थे हम। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे इसको निकाल लो, या फिर ऐसा करो फ्राई डेविस को ले लो, या फिर ऐसा करो आप सदर को, कोई खेल नहीं रही वो, यहाँ पे ये हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हो। इस मैच में इन्वेस्ट में मैं बोलूँ तो आप थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि ये मैच में क्रेडिट की दिक्कत आने ही वाली है, तो अभी टेम्परेरी टीम अब थोड़ी सेव कर लेते हैं किस प्लेयर को कैसे रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्राइड डेविस की जगह निकाल के अखिलेश स्टोन, यहाँ पे ऐसा कर लो, तो आप अपनी टीम ऐसे बना सकते हो थोड़ी। सोफी मॉलिनिक्स को अगर नहीं लेना तो डेलिसा किमिंस को ले लो, ये विकेट फास्ट बॉलर है, तो आप ऐसी टीम बना सकते हो देख लो अपनी। पर एलिसा पेरी को छोड़ना बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, ऐसा करो फिर आप एलिसा पेरी को अगर छोड़ रहे हो तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल से इसको लेना चाहिए, यहाँ ऐसे कर लेना चाहिए। तो ऐसा आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, यहाँ पे ब्रंट को निकाल लो, ब्रंट की जगह आप यहाँ इसको ले लो। फाइनल टीम होगी, टॉस को देखकर मैं आपका दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। तो फिलहाल टेम्परेरी टीम हमारी ये होगी, यहाँ पे टॉप ऑर्डर 4 कवर हो गए हमारे पे, यहाँ 3 बॉलर भी आ गए, यहाँ पे इनके 2 बॉलर आ गए, यहाँ इनका बैट्समैन भी आ गया, तो ऐसी थोड़ी टीम बना सकती है, थोड़ी ऐसे करके बना सकते हैं हम, क्योंकि लॉजिक क्या बना रहे हैं, हमारे बॉलर भी कवर हो रहे हैं, बैट्समैन भी कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कैप्टन कर लूँगा मैं, यहाँ पे नेटले शीवर को, यहाँ पे वाइस कैप्टन कर लूँगा मैं एशले गार्डनर को, ऐसा कर लूँगा क्योंकि एशले गार्डनर और नेटले शीवर ही बहुत अच्छी फॉर्म में है। चाहो तो आप हैदर नाइट को कर सकते हो, बट हैदर नाइट नीचे सेकंड राउंड बैटिंग करने रही है, ऊपर आ रही है नेटले शीवर, और बॉलर भी विकेट भी ज़्यादा अच्छे ले रही है नेटले शीवर हैदर नाइट के मुकाबले, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं ऐसी टेम्परेरी टीम बना के आ रहा हूँ, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस मिल जाएगी, टेलीग्राम पे फटाफट जाके ज्वाइन कर लो और फॉलो करो जो तो मैं बोलता हूँ, काफ़ी अच्छी विनिंग कर सकते हो। अगर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे कर सकते हो आप, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में आप एलिसा पहले हो सकते हैं एलिसा पेरी, पर वो हर मैच में चल रही है, इसको छोड़ना रिस्की है, मैं इसको लूँगा टीम में बाद में जाके एक स्मॉल लीग में। तो यहाँ बात करें आप ग्रैंड लीग में ये कर सकते हो, अगर ये चल गई तो आपको सोने पर सुहागा, नीचे वालों की बैटिंग ही आने देगी अगर ये चल गई तो। यहाँ बात करें ये भी बहुत अच्छी चॉइस है आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, ये होती चाहिए 2 से 3 ओवर डाल रही है, प्लस कैप्टन भी वो फर्स्ट राउंड बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ बात करें सेकंड राउंड आ रही है, इसको निकाल के आप चाहो तो किसी एक बॉलर को ले सकते हो, जैसे अनिल शुभसौल को ले सकते हो, बट अगर अनिल शुभसौल लोगे तो ये सोच के चल रहा है आप इनका टॉप ऑर्डर आउट होगा, टॉप ऑर्डर आउट होगा तो फिर पैरी को लेने का फायदा नहीं है। तो ऐसे करके आप लॉजिक बनाना पड़ता है, टीम जब अपने ग्रैंड लीग वगैरह की बनाते हो तो ऐसी बनानी पड़ती है। अगर आप अनिल शुभसौल को ले रहे हो तो मतलब वो विकेट लेगी, विकेट कब लेती है वो ओपनिंग में डालती है, ओपनिंग में जब विकेट लेगी तो इनमें से एक का लेगी, और इनको लेगी तो फिर आपको इन लेने का फायदा नहीं है ग्रैंड लीग में। ऐसे करके लॉजिक बना लेते हैं, अगर इनको लेने का फायदा नहीं हटाओ फिर यहाँ से आप किसी और को लाओ, ऐसे बनाना होता है थोड़ी टीम को सोच के। भले इसमें आप थोड़ा कभी फेल होंगे कभी पास होंगे, बट एक एक्सपीरियंस होगा लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा
सीख जाओगे तो बहुत अच्छा विन भी करोगे। तो इस चैनल से जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे काफ़ी अच्छे, और अच्छे से फैंटेसी में अपना करियर बना सकते हो, मतलब सीख सकते हो, तो बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। एक बहुत अच्छी अर्निंग लोगों लाखों में करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ लाखों में, तो रहोगे तो सीखोगे भी आप। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। दो महीने में हमने 2 GL विन करी है, तो आप ऐसे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो अगर स्मॉल लिख के आपको बिल्कुल फ्री टीम मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो का। जय हिंद दोस्तों।